हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सुजुकी फ्रॉन्क्स लेके आया हूँ। इसकी जो इंटीरियर लाइट्स रहती है, आज हम वो चेंज करेंगे। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस पे हम इसकी कार की इंटीरियर लाइट्स चेंज करते हैं। सो हम लाइट जो उनसे लेके आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ये वाली लाइट्स हम लेके आए हैं इसमें चेंज करने के लिए। जो हमारी रूफ लाइट रहेगी उसमें हमारी ये वाली जो फिटिंग रहती है ये वाली लाइट लगेगी। 100 रुपीज़ इसका जो प्राइस रहता है वो रहता। और ये वाली जो हमारी रेंग की लाइट्स है, हमारी जो पार्किंग लाइट होती है DRL में भी, जो इसके बेस मॉडल में लगती है, वही वाली लाइट्स हैं ये। सो दो लाइट्स हमारी रीडिंग लैंप्स में ये वाली लगती है, एंड जो मेन बूट की लाइट होती है उसमें भी हम ये वाली लगा सकते हैं। ये वाली हमारी अंदर जो हमारे कैबिन की लाइट रहेगी वहाँ पे वो वाली लगेगी, और जो बिल्कुल आगे लाइट है उसमें हमारी ये वाली लगेगी। तो इसकी इंस्टॉलेशन करेगी वो हम करते हैं स्टार्ट। लिंक्स आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी हमारी कंपनी से इसमें लाइट आती है वो कुछ ऐसे की रहती है। अब इसको ओपन कैसे करना है, उसके लिए हमें एक सिंपल एक टेस्टर आता है, हमें एक वो चाहिए होएगा। एंड ये वाली जो जगह रहेगी यहाँ पे हमने हल्का सा ये टेस्टर डाल के हल्का सा बाहर को इसको ट्विस्ट कर लेना है, और ये सिंपली हमारी लाइट बाहर आ जाएगी। मेक श्योर ये करते हुए बिल्कुल भी ज़्यादा जोर ना लगाइए। ये जैसे हल्का सा किया हमने बाहर आ गई, इस पर निशान ना आए ध्यान रखना आप। और ये प्रोसेस करके आप अपने घर पर ही 100 से 200 रुपये बचा सकते हैं। हमने लेफ्ट वाली चेंज कर ली, रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप उसका। ऐसे करके ये जो इसकी फिटिंग रहेगी बाहर आ जाएगी बोली सारी, और इसके अंदर कुछ ऐसे का बल्ब रहेगा। ये बल्ब जैसे अभी हमारा चल रहा था सो ये गर्म होएगा। इसको डायरेक्टली इसको पकड़ने के बाहर निकालने की गलती ना करना, आपका हाथ जल सकता है। इसको किसी कपड़े से पकड़ के या थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेके आप इसको हल्का सा बाहर निकालने के लिए मदद ले सकते हैं, बट मेक श्योर इस पर बहुत ज़्यादा आप फोर्स ना लगाएं, प्रेशर ना लगाएं। हल्का हल्का ऐसे करके बाहर आ जाएगा हमारा बल्ब, कुछ ऐसे का बल्ब रहेगा। और जब हमने चेंज करना वो बल्ब वैसे के हमारे जो रहते हैं वोला बल्ब रहेगा। जब भी ये वाले हम बल्ब लगाते हैं तब मेक श्योर कि एक बार इसको आप चला के देख लें कि चल रहा है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव बहुत मैटर करता है, दोनों तरफ से हम लगा के देख लेंगे। सिंपल इसकी फिटिंग देख सकते हैं, ये सिंपल अंदर चला जाएगा ऐसे। सो जैसे कि हमारे बल्ब लग चुका है, अब सिंपल ही हम दबाएंगे हमारा चल जाएगा। और इसका जो लॉक लगाने का प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। जैसे कि हमने बाहर निकाला है, यहाँ पे कुछ लॉक्स देख सकते हैं, अब ये रोलिंग लॉक्स है जो यहाँ पे, ये इसकी जगह भी बनी हुई है। सिंपल वाले हमने ये वाले जो लॉक्स हैं ये फंसा लेने, हल्का सा फोर्स लगा के देन ये दबाएंगे। हमारे आगे की जो लाइट्स रहेंगी चेंज हो चुकी है। सो गाइस, अब हमारी जो इसकी पीछे की फिटिंग रहेगी वो आप देख ही सकते हैं। जैसे हमारी सुजुकी की कार है, सुजुकी की स्विफ्ट होगी, बलिनो होगी, रिड्ज होगी, इन सब की फिटिंग सारी कार की सेम ही रहेगी, यूनिवर्सल फिटिंग्स रहती हैं। अब इसमें जो हमारी LED लगेगी वो हमारी ये वाली LED लगेगी। लिंक सारे आपको मिल जाएंगे। अब इसको चेंज कैसे करना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप लाइट देख ही सकते हैं, इसमें भी सिंपल जैसे हमने आगे लॉक्स अनलॉक किए हैं इसमें भी वैसे अनलॉक करेंगे। एक सुजुकी किजाशी की प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है, उस पर मैंने पूरी कार की मॉडिफिकेशन कवर किया। अगर आप किसी कार की मॉडिफिकेशन वगैरह जानना चाहते हैं, क्या बेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे इसका लॉक है, ये भी हमने आराम आराम से ऐसे करके खोलने, हल्का सा स्क्रू ड्राइवर लगा के, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना। हम देख सकते हैं हल्का सा हमने किया, यहाँ कोई भी निशान नहीं आया। बिना किसी निशान के हम इसको ऐसे ईजिली निकाल लेंगे। उसके बाद पीछे जो हमारी सुजुकी फ्रॉन्क्स बलिनो वगैरह में जो फिटिंग रहेगी वो ये वाली फिटिंग रहती है पीछे, और आगे के जो रीडिंग लैंप्स रहते हैं उसमें वो वाली फिटिंग रहती है। इसको सिंपली हमने यहाँ से निकाल लेना, गर्म होएगा ये। उसके बाद जो हमारी ये वाली बल्ब रहेगा इसका भी हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है, यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। सिंपली वाले हम चेक कर लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव इसका। जो लाइट थी इसकी हमारी आगे और पीछे दोनों जगह चेंज हो चुकी है, आगे रीडिंग लैंप्स में भी और पीछे भी। गाइस, जो इसके इंटीरियर की लाइट्स उसका रिस्पांस चेक करने का टाइम आ गया। जो हमारे रीडिंग लैंप्स रहेंगे उसकी लाइट आप देख ही सकते हैं, हमारी कार में काफी डिसेंट लाइट रही है। और जो हमारी मेन कैबिन लाइट रहती है उसका भी रिस्पॉन्स देख ही सकते हैं। एक बार मैं आपको पीछे से भी जाके दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्स आप देख ही सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो बीश और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से पूछ के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।